कैसे हो आप लोग? रात को जो भाई ने अपने को चैलेंज दिया था ना, तो ये भाई ने अपने को चैलेंज दिया है कि तुम्हारी रेंज यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर है, अभी 30 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जा पाएंगे, तो होटल लेके रुक जाएंगे। तो ये चैलेंज अपने को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। A few moments later, कि तुम लोग 20 किलोमीटर भी नहीं जा पाओगे, वो बात सच निकली। हम लोग 10 किलोमीटर से ज्यादा आगे नहीं आ पाए। ये तो मेरी बेइज्जती करा दोगे तुम सारे लोग मिलके, ना मेरा कचरा करा दोगे। एक तो ठंडी, ऊपर से रोड खराब और हालत खराब हो गई, कुछ दिख भी नहीं रहा था। इसके लिए पास में एक छोटा सा लॉज दिखा, तो वो लॉज में रुक गया। वहाँ पे वीडियो बनाने का परमिशन नहीं था करके मैंने वीडियो नहीं बनाया, इसके लिए वो लॉज के बाहर से वीडियो बना रहा हूँ। लॉज क्या, एक होटल था, छोटा सा होटल टाइप था, और उसके 7-8 कमरे थे, मिल गया अच्छे में मिल गया, लेकिन उन लोगों ने परमिशन नहीं दिया, बोला हमारा होटल मत दिखाओ, तो इसके लिए मैं नहीं दिखा रहा है ना। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों को मोटो ब्लॉग में। तो संतोष भाई भी आ गए, संतोष भाई को देखो। हाय गुरु मॉर्निंग, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? नंबर अच्छा है। चलो तो फिर अभी मैं मिलता हूँ रास्ते में, फ्यूल भराना है। अच्छा चलो फिर निकलते हैं भाई, इसको रखो। ये किस का? यूट्यूब। यूट्यूब हाँ, ये क्या काम करते हैं आप लोग? हम इसका प्लम्बिंग का कलरिंग। अच्छा अभी आ रहे हैं आप कैमरे में, कुछ बोलना चाहते तो बोल दो, ऐसे कुछ भी अपने किसी भी दोस्त वार को किसको भी याद कर रहेगा तो याद कर लो, क्योंकि हमेशा आपको दिखेगा जब भी YouTube खोलोगे ना, तो ये वीडियो में आप आओगे। तो जरा एक बार पब्लिक को हाय हेलो बोल दो। हाय। हाँ चलो भाइयों निकलते जल्दी, अब मिलेंगे रास्ते में। तो अभी हम लोग निकल गए होटल से और ये है रास्ते का नज़ारा। ठीक ठाक ही था, रात गुजारना था हम लोगों को, इसके लिए रुके उसमें। कैमरा लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है और उम्मीद है कि आवाज़ आ रही होगी, है ना? रात का टाइम था और ये रोड अभी आप लोग देख लो, ये एकदम सिंगल रोड है। और यहाँ पे से ना ज़्यादा करके ना अंगूर वाले चलते हैं कच्चा माल लेकर के, वो लोग है ना भाई लोग किसी के लिए नहीं रुकते, समझे? आदमी मर रहा है तो मरने दो, कुछ हो रहा है तो होने दो। यार यहाँ पे देखना पड़ेगा, हाँ मुंबई, यहाँ पे मुंबई ये रोड पे, हाँ ये नया रोड बन रहा है शायद औरंगाबाद, अरे वो रोड था, अरे है ना, हाँ। खैर चलो आप लोग रोड के मजे लो।
आप ऐसे अगर ढाबा देखोगे पाजी लोगों का, उधर जाओगे रात को खाना खा लो, वो तुमको सोने भी दे देंगे, बोलेंगे आराम से चारपाई बिछाओ सो जाओ, कोई चीज़ का तकलीफ नहीं है ना, कोई चीज़ का तकलीफ नहीं। और एक्चुअली क्या इधर से लंबे लंबे तक अभी तक और 100 किलोमीटर कोई ढाबा नहीं मिला। सुना आपने 100 किलोमीटर तक कोई ढाबा नहीं मिलेगा, ऐसा संतोष भाई बता रहे। अब संतोष भाई की बात क्यों मानना चाहिए, क्योंकि उनका गाँव इधर ही। हाँ एक्चुअली क्यों सौ मतलब मिलेंगे ढाबा जो ऐसे नहीं, मतलब वो छोटे मोए हो गया खाली ऐसे ही, बैठने की भी जगह नहीं रहेगी, बैठने की भी जगह नहीं रहेगी बराबर। तो खाना आ गया अपना, देखो ये आलू पराठा, सादा रोटी, मलाई रोटी, भुर्जी रोटी, सॉरी भुर्जी, अंडा भुर्जी, और ये सादा रोटी के साथ खाने का मलाई रोटी उठा के दिखाओ संतोष भाई, ये देखो ये है मलाई रोटी, ये है आलू पराठा। चलो संतोष भाई एक निवाला खा के दिखाओ कैसा है, कोई भी कुछ भी भुर्जी का खाइए। संतोष भाई ने पास किया था फिर अभी अपन खाइए, ठीक है फिर खा कर मिलता हूँ। तो यहाँ पे खा पी लिए, अब चलो अब निकलते हैं। अब आप लोग भी रास्ते के मज़े लो हमारा टारगेट है कि हम लोग नासिक तो पहुंच ही जावे, नासिक पहुंच गए तो वहां से फिर घर ज़्यादा दूर नहीं है, फिर पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा रास्ता दिखा देता हूं मैं, ये ऐसा खाने में मज़ा आ गया, खास करके वो मलाई रोटी खाने में तो बहुत मज़ा आया, पहली बार खाया मैं लाइफ में मलाई रोटी, लेकिन बहुत मज़ा आया मलाई रोटी खाने में। तो ये पहुंचे हम लोग एक पेट्रोल पंप पे, यहाँ से देख लो अपना पेट्रोल एकदम खाली हो गया है, यहाँ से भराते पेट्रोल। क्या रे बाबा डब्बे में देने को गैर कानूनी मालूम है कि नहीं, पेट्रोल डब्बे में देना गैर कानूनी है। फुल करना फुल, ₹110 लीटर है। स्कैनर यही है क्या, स्कैनर गया। ऐसे ही भाई को थोड़ा मैं डरा रहा था, लेकिन भाई डरा नहीं। ₹480 का पेट्रोल आया इधर, 190 किलोमीटर चली थी गाड़ी तो बराबर है, एवरेज इसका कम हो गया है। ये सब लॉन्ग राइड के लिए नहीं बनी ना गाड़ियाँ, लॉन्ग राइड में ये सब कम ही देती है एवरेज, पीने लगती है फिर तेल। पीछे देखते हुए
आगे देखते हुए। हाँ चलो ये हम लोग अकोला पहुंच गए ले। अभी ये ही रास्ता है जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो अंदर अकोला सिटी को जाता था। हम लोगों ने लिए बाईपास जहाँ से सब ट्रक रख जाते। भाइयों अभी हम लोग पता नहीं कहाँ है, अकोला के पास है, अकोला क्रॉस किया ना संतोष भाई। हाँ अकोला क्रॉस किया जानना है ना। और हम लोगों को मिला एक हैवी ड्राइवर, ये देखो इसने बराबर तरीके से ना एकदम टेस्ट देकर के ना ड्राइविंग लाइसेंस लिया होगा। इसने इतना हैवी ड्राइवर है ना कि इसने ऐसा पार्क किया कि एकदम बोले गाड़ी एकदम सेफ। देखो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई घायल हुआ रहेगा, हुआ भी रहेगा शायद। आ जा ये देखो, ये आपकी गाड़ी क्या? आपका गाड़ी क्या? हाँ अपना ही है। कैसा हुआ? कैसा हुआ ये? अरे लाहौर गाड़ी चला रहा था। हाँ रात में। हाँ ये आपको लगा है? हाँ लगा ना सिर्फ मैं सफार को। और कुछ ज़्यादा? नहीं कहीं भी लफड़ा नहीं था कुछ नहीं। और दूसरा आदमी ड्राइवर कौन? लाहौर गया मल्लम पट्टी करवाने। हाँ मल्लम पट्टी कराने। हाँ सर लगे भैया। हाँ तो कैसे हुआ कैसे? क्या बोले क्या लफड़ा है? क्या करने के लिए आ रहेंगे? नहीं सर्वे नहीं, वो गाड़ी देख के ही मालूम पड़ गया हम लोगों को कि हैवी ड्राइवर था। इतने अच्छे तरीके से पार्किंग किया है उसने और वो देख के मालूम पड़ रहा है किसी को चोट वोट नहीं लगा रहेगा। गाड़ी सेफ्टी है मतलब खाली पलटी खाई है गाड़ी। ये सुबह सुबह नींद के झोंके में। हाँ नींद के झोंके में। हाँ ये साथ मेरे को लगता है कि कुछ करने के लिए रुका होगा। हाँ लहरा गई झपकी आई लहरा गई। झपकी में फिर भाई इसमें क्या है संशोधन नहीं है गलती का सुधारने का। हाँ नहीं है मौका नहीं है ना। एक बार जो गलती हुआ तो उसकी सजा उठाना है। कहाँ जा रही थी गाड़ी है? ये चेन्नई जा रही थी। चेन्नई इंदौर की गाड़ी है। हाँ पीतमपुर का। उनका फोन आया इंदौर का। नींद बहुत। तो ये था आज का रिपोर्टिंग, देख लो हैवी ड्राइवर दिखा दिए सब। ये अपने भाई क्या नाम? मोहम्मद मुदस्सिर। मोहम्मद मुदस्सिर और मैं हूँ अनिल सिंह, पहचानते होंगे ना मेरे को तो। हाँ तो भाई मिले अकोला जिला। अकोला जिला की। हाँ ये हैवी ड्राइवर ट्रक का है ना। इधर हम लोग रुके थे इधर मिले, हम लोग को चाय के लिए बोल रहे बहुत लेकिन उल्टा गिरेगा करके। और यहाँ भी बहुत लंबा इस तरफ धुले जाने की तरफ भी, तो इसके लिए चाय हम लोग नेक्स्ट टाइम पर रखें। हेलो बोलो जी। हाय बोलो सबको। हाय। अरे हाथ दिखाओ। तो क्या बोलते हैं चाचा? क्या बोलते बोलिए आप क्या बोलते? एकदम बढ़िया मजे में एकदम। तो दो भाई लोग मिले, एक चाचा जान और एक चाचा के भतीजे जान। दोनों मस्त आदमी, मजा आ गया मिल करके। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत मजा आ रही घूमने में भी। बांगर क्रेन सर्विस।
कभी भी अगर आप लोग को जरूरत पड़े तो देखो इनको कॉल करो, मेरा नाम लेना अनिल द व्लॉगर, 10% डिस्काउंट है ना। हाँ हाँ और क्या, अपने को 50 लोग देखते और अपने जैसे 50 लोग रहते ना घूमने वाले, तो देख करके कॉल मारेंगे आपको जरूर। और यही ये रूट अपना ज़्यादा रहता, कलकत्ता वलकत्ता से यहाँ से निकलते हम लोग ज़्यादा है ना, मुंबई से निकलने को यही रोड है, बाकी कुछ है नहीं दूसरा। 6 नंबर हाईवे। हाँ चलो तो फिर अभी हम लोग निकलते है ना, फिर मिलते। वीडियो देखना और चाचा कमेंट करना, हाँ याद से कमेंट करना तो मैं पहचान जाएगा। हाँ चलो अल्लाह हाफिज़।